कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दे, आ गया हमारा इंग्लिश का पेपर जो कि होने वाला है 12 सितंबर को। तो देखिए पूरा पेपर आ गया है हमको, इसको इस वीडियो को अच्छे से देखिए और पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट करिए ताकि आपको पेपर में कोई भी परेशानी ना हो। तो बिना समय गवाए हम इस पेपर को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवेन बिलो। तो हमारा इसमें पैसेज दे रखा है, इसे हम अच्छे से पढ़कर पूरा कंप्लीट करना है ताकि हमें कोई भी परेशानी ना हो। नीचे इसमें प्रश्न दे रखे हैं, इस पैसेज को अगर आप पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो नीचे दिए गए प्रश्नों में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर सकेंगे। तो इसके दो प्रश्न यहाँ पर है और कुछ प्रश्न इधर है। तो ये रहे हमारे प्रश्न, अब इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये भी हमें एक पैसेज दे रखा है, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है और इसके नीचे दिए हुए आंसरों को कंप्लीट करना है। तो अच्छे से पढ़िएगा और चलिए देखते हैं हमारे नीचे दिए हुए प्रश्नों को। तो इसमें पहला प्रश्न है, व्हाट इज द ट्रेडिशन वे टू ग्रेटिंग गेस्ट इन जापान। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर है, द टी सेरेमनी इज अ ट्रेडिशन वे ऑफ ग्रेटिंग गेस्ट। तो इसका पहले का आंसर यहाँ से लगाकर तो यहाँ तक है, आप देखिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्रीन टी इज अ पॉपुलर इन। तो ग्रीन टी कहाँ पर प्रसिद्ध है, चाइना एंड फॉरेस्ट में। तो इसका सही आंसर है चाइना एंड फॉरेस्ट। तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करिए। अब हमारा नेक्स्ट है, ग्रीन टी इज नॉट ड्रंक विथ शुगर और मिल्क। तो इसका आंसर है ट्रू, ग्रीन टी शुगर और मिल्क, ग्रीन टी में शुगर और मिल्क नहीं होता है। तो इसका आंसर है ट्रू। अभी इसका है, इन मोराको ग्रीन टी इज इन्फ्यूज्ड विथ फ्रेशली प्लग्ड डॉट डॉट। तो इसमें आएगा मिंट। तो देखिए कहाँ पर है ये यहाँ पर रहा, इन मोराको ग्रीन टी इन इज इन्फ्यूज्ड विथ फ्रेशली प्लग्ड मिंट। तो इसमें आएगा हमारा मिंट। इसे आप अच्छे से करिए। अब अगर अगला है, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन डर्टी। तो इस एक्सट्रैक्ट में डर्टी वर्ड को किस तरह बताया गया है। तो इस एक्सट्रैक्ट में डर्टी वर्ड को मेसी कहा गया है, मेसी। तो ये हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं, आप इन्हें अच्छे से देखकर कंप्लीट करिए। तो हमारा नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है, हमें इसे अच्छे से पहले पढ़ना है फिर नीचे प्रश्न दिए गए उसके हिसाब से इसको करना है। तो पहला है, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो ये पैसेज जिस किसी भी शब्द के ऊपर से दिया गया है उसी को हमें एक टाइटल बनाना है। और अगला है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। तो हमें इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और जो जो लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है उसका हमें नोट्स बनाने हैं उनके। तो ये तीसरा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसे अच्छे से देखकर कंप्लीट करिएगा। तो हमारा चौथा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेंट यू लीव फॉर 2 डेज। तो इसमें हमें एप्लीकेशन लिखनी है जो कि प्रिंसिपल को लिखनी है छुट्टी के लिए, जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए उतने दिन की एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसी में हमारा अथवा में है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर एल्डर ब्रदर्स या सिस्टर मैरिज। तो इस प्रश्न में हमें अपने भाई बड़े भाई या बहन की शादी में अपने दोस्त को बुलाना है, उसे इनवाइट करना है एक पत्र देकर। तो इसे भी आप अच्छे से समझ कर इसे प्रश्न को भी आप कंप्लीट करिएगा। हमारा नेक्स्ट है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो हमें यहाँ पर 4 टॉपिक दे रखे हैं, इन पे हमें ऐसे लिखना है। तो टॉपिक्स है, पहला है वंडर ऑफ साइंस, दूसरा है द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तीसरा है माय फेवरेट गेम और चौथा है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री।
तो ये चार टॉपिक दे रखे हैं, जो भी आपको अच्छे से याद हो आप उस पर ऐसे लिख सकते हैं। तो अगला है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स प्रिपेयर द आर्टिकल इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो हमें कुछ पॉइंट्स, बेसिक से पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पे हमें 80 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखना है। तो हमारा पहला है पंचुअलिटी, दूसरा है विटल रोल, तीसरा है लाइफ यानी अपनी जिंदगी के बारे में, चौथा है इन टाइम समय, पांचवा है सक्सेसफुल, छठा है हमारा छठा है एसेंटियल, सातवा है गुड हैबिट्स एंड आठवा है वैल्यू ऑफ गेम और नौवा है बेसिक टूल्स। तो आपको इन 9 ही टॉपिक में से जो भी अच्छे से याद हो उस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। कितने वर्ड्स का? 80 वर्ड्स का। तो आप इसे भी अच्छे से कंप्लीट करिए। अब हमारा आता है छठा, जो कि हमें दे रखा है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द बेसिक बेसिस ऑफ द विजुअल गिवेन। ये दे रखी, इसी पे हमें एक पैराग्राफ लिखना है, वो भी 80 वर्ड्स का। तो पूरा पैराग्राफ अच्छे से देखकर और एक पैराग्राफ लिखिएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवेन ब्रैकेट। तो हमें ये सेंटेंस दे रखे हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे रखे हैं, तो आपको इन्हें भी अच्छे से देखकर और कंप्लीट करना है। स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से कंप्लीट करें। अब हमारा दूसरा है डू एस डायरेक्ट, आठवां प्रश्न है डू एस डायरेक्ट। तो इसमें भी आपको सेंटेंस दे रखे हैं, इनको आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और सारे अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा नवा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पूरे 8 दे रखे हैं, इनको अच्छे से देखकर कंप्लीट करिएगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि अच्छे से कंप्लीट हो सके। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को आंसर करना है। तो पूरा एक्सट्रैक्ट आप अच्छे से देखिएगा और इसका ये रहे क्वेश्चन, इनके भी आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चन आंसरों के जवाब देने हैं। तो अच्छे से देख लीजिए। अब हमारा है 11वां, जो कि है आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। तो यहाँ से हमारे प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं, जो कि आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में से कंप्लीट करने हैं, ताकि आपको कोई भी पेपर में कोई भी परेशानी ना हो। तो ये हमारा 11वां हो गया। अब आगे है, जल्द से जल्द सारे कंप्लीट करिएगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी पेपर में ना हो। समय बहुत ही कम है हमारे पास, और जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए। ये 14वां हो गया, यहाँ 15वां है या 16। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, उस पूरे पेपर को मैंने आपको बताया है। अगर आपको इसका हल भी चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं आपको लिए अगली वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन भी